काफी विरोध के बीच फिल्म पठान रिलीज हो चुकी है। देश भर में फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पठान का विरोध हो रहा है। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और देखा कि क्या पठान का जलवा दिखा है या विरोध की आंधी के बीच पठान कहीं खो गया। तो सबसे पहले आपको दिल्ली एनसीआर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि फिल्म लोगों को कितनी पसंद आई है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो पठान तो आएगा ही नहीं, आएगा ना, और साथ में पटाखे भी लाएगा। एक लंबे और बड़े विवाद के बाद आखिरकार आज पठान मूवी रिलीज हो गई। थिएटर में जगह नहीं है फिलहाल, जिस तरीके से बंपर बुकिंग हुई थी एडवांस में, इस वक्त थिएटर पूरी तरीके से फुल्ली पैक्ड है। हम नोएडा में मौजूद हैं और वेव सब के बाद लोग बाहर निकले हैं मूवी देख के, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि फिल्मों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट का एक माध्यम है, एक जरिया है, सिर्फ एंटरटेनमेंट ही रखना चाहिए। तो शायद विद्या बालन ने जो अपनी एक फिल्म में डायलॉग कहा था कि फिल्म में मतलब एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट के लिए फिल्में देखिए। लेकिन जिस तरीके से विवाद हुआ पठान को लेकर, उस पर अब राजनीति भी थम गई है। खुद बजरंग दल ने अब अपना विरोध वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि हम पठान मूवी का विरोध नहीं करेंगे। आइए जानते हैं क्या है मूवी में खासियत और किसका लगा काम अच्छा और किस तरीके से ये मूवी देखनी चाहिए। तो जैसा कि पठान फिल्म का डायलॉग है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। शायद ये मौसम ही बिगड़ा है। आप लोग मूवी देख के आ रहे हैं, कैसी लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी लगी। मौसम बिगड़ा है? मौसम बिगड़ गया एकदम पठान को, बिल्कुल। जितना विरोध हो रहा था उस विरोध कोई काम आया? नहीं, विरोध का कोई काम नहीं है, ऐसी भीड़ थी है ना। कितना पूरी फुल 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 बहुत अच्छी फुल वैसा वसूल, और सलमान खान की एंट्री जबरदस्त, दोनों पठान एक साथ बहुत बढ़िया पैसा वसूल, सबको देखनी चाहिए। लेकिन जो विवाद हुआ था जिस तरीके से, चाहे वो रंग को लेकर हो चाहे बिकनी को लेकर हो, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, उस पर कुछ कहना नहीं है, हम तो भाई इंजॉय के लिए गए थे, और जो चीज़ है वो इंजॉयबल देखनी चाहिए। फिल्म सबको देखनी चाहिए, सबको मूवी, पागल मूवी है, पागल मूवी है, पागल मूवी है। ऐसा क्यों भाई? बिल्कुल अंधभक्तों की आग लगा देगा हकीकत। देखिए शब्दों का थोड़ा सा चैन दे रहे, कैसे लगी मूवी देख के? बहुत मस्त लगी, एकदम एक नंबर मूवी है। शाम के टिकट फिर बुक है, दोबारा आएंगे। अच्छा फिर दोबारा अभी देख के आए? दोबारा जाएंगे भाई। ये देख रहे हैं, ये पठान का क्रेज है। मैं आई एम 20 इयर्स ओल्ड, मैंने आज तक सिनेमा में एंट्री नहीं करी है, ना कभी मूवी देखने की कोशिश करी है, पर पहली बार मूवी देख, पहली बार पठान की वजह से मैंने टिकट दो बार बुक किया, शाम का फिर रिटर्न है, फिर देखेंगे हम मूवी। और क्रेज बढ़ता जा रहा है इस टाइम पठान का, क्या है भाई साहब? मूवी ऐसी है जो लोग बायकॉट कर रहे हैं कि ऐसी मूवी वैसी मूवी अच्छी नहीं है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, वो आए और जरूर मूवी को देखें, क्योंकि मूवी ऐसी है, एक मिनट की बोर नहीं है, सिर्फ एंटरटेनमेंट है, पूरा एंटरटेनमेंट है। और अपने देश का नाम रोशन करो, हिंदुस्तान देखो, नाम रोशन करो। तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है लोगों में इस वजह से, क्योंकि पठान एक शाहरुख खान की एक फिल्म थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद आई है, और इस तरीके से साथ में सलमान खान, दोनों पठान, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाली मूवी में साथ में पठान भाई, शाहरुख खान भाई, टाइगर भाई, सब साथ में आएंगे, सारे साथ में। और हो सकता है टाइगर में शाहरुख खान की भी एंट्री आए, पूरे पूरे चांस हैं। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें सीन दिए हैं ऐसे, मतलब आगे को लग रहा है देख के टाइगर में उसकी एंट्री होगी, टाइगर रिटर्न्स। हाँ हाँ, सलमान की जो आ रही है उसमें आएगा शाहरुख खान, आएगा आएगा। जाहिर सी बात है जिस तरीके से फैंस इस वक्त खुश है कि पठान एक लंबे वक्त के बाद शाहरुख खान की फिल्म आई, और कहीं ना कहीं विरोध के बाद पूरी तरीके से धमाल मचा रही है। लंबे समय की बात नहीं है सर, मूवी एक नंबर है, देखने लायक है, लंबे समय या छोटा समय कुछ नहीं है, लेकिन मूवी जो है एक नंबर मूवी है, एक नंबर है, एक नंबर मूवी है। इसमें समय वमय का कोई सीन नहीं है, चाहे एक साल बाद आए चाहे 10 साल बाद, लेकिन चीज होती है तो देखी जाती है, एक नंबर। शाहरुख खान एक बार फिर छा गए, छा गए भाई, वो तो पहले से छाए हुआ, ऊपर सुपर से भी ऊपर भाई, सुपर से भी ऊपर। तो ये फैंस है जो मूवी देख कर आए हैं। फिलहाल अभी तक दिल्ली एनसीआर में कोई भी ऐसा सिनेमा हॉल नहीं है, कोई भी ऐसा मल्टीप्लेक्स नहीं है जिसके ऑलरेडी बुकिंग ना हो रखी हो, जो हाउसफुल ना हो। तो ये क्रेज पठान का, या यूं कहे शाहरुख खान का एक जादू, एक बार फिर सबके सर चढ़ कर बोल रहा है, सबको देखनी चाहिए। एक्टिंग करिए उसमें, सलमान भाई ने क्या एक्टिंग करी है एकदम। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। सबसे आपको लगता है कि विरोध होना चाहिए ऐसे? नहीं होना चाहिए, नहीं, पूरी पेट्रियोटिक मूवी है, कुछ विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, बेस्ट मूवी। जिस तरीके से राजनीतिक दुनिया में आके लोग करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए? सर मुझे राजनीतिक से तो कोई मतलब नहीं है, मुझे मूवी अच्छी लगी, एट द एंड ऑफ द डे यही रिजल्ट है। बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखनी चाहिए। मूवी बहुत अच्छी थी, और कोई ऐसा मूवी में सीन नहीं है जिसे लोग कह रहे हैं कि
किसी पर्टिकुलर रिलीजन की सेंटीमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग थी, एक अच्छी स्टोरी थी, फाइटिंग थी, एक्शन सीन्स थे। सबसे सही काम, अच्छा काम किसका लगा आपको? तीनों का काम अच्छा था, जॉन अब्राहम का काम भी अच्छा था, सलमान खान की एंट्री जो डाली गई है, शाहरुख एंड दीपिका वाज ऑसम। मूवी को लोगे जिस तरीके से पर्सनलाइज किया, नो देयर इज नथिंग लाइक दैट, कहीं से कुछ है ही नहीं इसमें। नो, क्या मैसेज है कि मतलब क्या देखना चाहिए? यस ऑफ कोर्स, एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है, देखना चाहिए। शाहरुख मिल रहा है और क्या चाहिए, बहुत एक्शन है, अच्छा एक्शन दिया है, तो बहुत अच्छी मूवी आई है, इट वाज ऑसम। हां जी, मूवी बहुत अच्छी। क्या किसका काम सबसे अच्छा लगा आपको? क्या काम किसका अच्छा लगा मूवी में? सबका ही अच्छा है, सबको ही, सबका बहुत अच्छा रोल है। एक्टर्स की जो राजनीति हो रही थी, आपको लगता है कि ऐसे होना चाहिए? नहीं, मूवीज पे नहीं होना चाहिए। नहीं, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए है। आजकल वैसे भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत कम अच्छी मूवीज आ रही है, तो इसलिए हाँ बहुत अच्छी मूवी है। दीपिका पादुकोण भी, हाँ देखिए, जरूर देखिए। क्या कह रही दीपिका? क्या दीपिका पादुकोण भी बहुत लंबे टाइम के बाद दिखी है हमें। अच्छा। हाँ, और बहुत अच्छा रोल है, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी करी है सबने। हाँ सब, मतलब क्या डायलॉग सारे अच्छे हैं, जॉन भी बहुत अच्छा है, सारे यही अच्छा लगा था। हाँ। मैं यही सोच रही थी, यही डायलॉग सोच रही थी मैं अभी। नहीं याद, नहीं याद। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। तो मौसम बिगड़ा या सही हो गया? बिगड़ गया, मौसम तो बिगड़ ही गया, मौसम बिगड़ गया, बिगड़ गया। ठीक है, थैंक यू। तो देखा आपने, पठान को लेकर जितनी कंट्रोवर्सी हुई, जितने विवाद हुए, उसके बावजूद भी फैंस जो है वो सिनेमा हॉल में पहुंच रहे हैं, मूवी को एंजॉय कर रहे हैं, और ख़ासकर शाहरुख खान की तारीफ़ कर रहे हैं इस बात को लेकर कि एक पेट्रियोटिक जो मूवी है वो बनाई गई है, लेकिन जिस तरीके के किरदार शाहरुख खान ने इस फिल्म में निभाए हैं उसको लेकर भी अब वाहवाही बटोरते नजर आ रहे हैं किंग खान। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरीके से पूरे मूवी को लेकर पूरे देश भर में एक विवाद फैला, कहीं ना कहीं मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहें या फिर एक रोल कहें, जिस तरीके से विवाद हुआ उसके बाद से इस मूवी को वर्ल्ड वाइड बखूबी पूरी तरीके से कह सकते हैं इसको बम्पर ओपनिंग मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम अकरम के साथ सैयद मुबशिर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा। चलिए अब आगे बढ़ते हुए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम हरिद्वार पहुंची, देखिए क्या कहा लोगों ने और कितनी सुरक्षा यहाँ पर रही है। बाइकआउट हो रहा है तो मेरे यहाँ पे तो ऑब्वियसली मेरे को कुछ देखने को नज़र नहीं आ रहा है, हाउसफुल जा रहे हैं। और अभी 3:30 का मेरा शो है, अभी मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था तो 99 इसमें सीटिंग है और ओवरऑल बुक हो चुकी है इस शो की। और शाहरुख खान है तो फ्लो विरोध इश्क देहरादून में तो ऑब्वियसली इस चीज़ का विरोध नहीं होता। जुबैर जी, आप मूवी देखने आए हैं और राज्यों में बाइकआउट हो रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? भाई जी देखो, जो बाइकआउट कर रहे हैं उनका तो काम है बाइकआउट करने का। लोग तो अच्छी चीज़ को भी बाइकआउट करते हैं, बुरी चीज़ को धोवाती है। लेकिन ये है कि हम तो भाई, अब हर इंसान की अपनी पसंद होती है, मैं लाइक करता हूँ इसलिए देखने आया हूँ। जयदी जी, मूवी को बाइकआउट किया जा रहा है, आप पसंद करते हैं? जी सर, मैं बहुत बड़ा फैन पसंद करता हूँ और देखने के लिए आया हूँ। किस चीज़ के लिए बाइकआउट किया है? अच्छा, ये देखने आए हैं? वैसे भी देखते हैं फिल्म। शाहरुख खान मेरा फेवरेट हीरो है तो मुझे उसकी सारी मूवी अच्छी लगती है, मुझे तो बहुत अच्छी मूवी लगती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा था कि बैन किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या कहते हैं? मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, जिसको बॉयकॉट करना है वो करे, बाकी मेरा तो कोई ऐसा वो नहीं है। मुझे अच्छी लगी तो मुझे अच्छी लगी, वो मेरा पर्सनल वो है। बता दें कि हरिद्वार में जहां आज पठान रिलीज हुई, पेंटागन मॉल पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से रिलीज हुई नई हिंदी मूवी पठान का विरोध किया, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी देखी गई। इस बीच किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई वो भी सुनिए। मूवी है इस के विरोध में हमने पेंटागन मॉल पे अपना धरना प्रदर्शन किया था, तो इसका पुलिस वालों ने जो हमें उसका सहयोग नहीं करा, उन्होंने फिर हमारे जो साथ वाले, हमने शांतिपूर्वक हम इसका धरना प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन उन्होंने हमें ना तो अंदर जाने दिया ना हमें वहाँ बैठ के शांति से धरना प्रदर्शन करने दिया। उसके बाद हमारे कुछ जो है उनको गिरफ्तारी करके यहाँ रोशनाबाद यहाँ पुलिस लाइन में उनको ले आए। बस क्या मांगे आपकी? ये मांगे कि हम चाहते हैं कि पठान मूवी का यहाँ ना रिलीज हो ना यहाँ चले, हम अपने हिंदुत्व के उसके लिए कर रहे हैं अपना जो है हमारा।
हमारी 10 से 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। नाम बताएं। मैं प्रखंड कार्यकारिणी अध्यक्ष दिग्विजय सिंह। हाँ जी, धर्म के लिए अश्लीलता कुछ प्रदर्शन दिखाया गया है तो इसके उपलक्ष में हम लोग चाहते हैं कि इसका बिल्कुल पूर्णतः विरोध और पूर्णतः ही बंद की जाए, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही हमारे जो हिंदू उत्सव का जो हमारा सनातन धर्म का जो दिखाया गया है वो बिल्कुल अपमानित है और बहुत ज़्यादा ही अपमानित है। वो हम नहीं चाहते कि ये बिल्कुल सामने आए और दिखे, क्योंकि इससे बहुत प्रभाव पड़ा है, पड़ भी रहा है। हमें बिल्कुल इसको बायकॉट ही करना है। इसके बाद न्यूज वर्ल्ड इंडिया का काफिला पहुंचा अलीगढ़। अलीगढ़ में किस तरह का रिस्पॉन्स रहा, लोगों ने क्या कुछ कहा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही, वो भी देखिए। मैं आया हूँ वाड्रा हॉल मूवी देखने के लिए यहाँ पठान। जी, जैसा विरोध हो रहा है पठान फिल्म का जी, उससे आप कैसा रिस्पॉन्स देना चाहते हैं? क्या विरोध? क्या भाई, हर जब बड़ी मूवी चलती है तो कोई ना कोई होता ही है विरोध। लाल सिंह चड्ढा पे हुआ, बायकॉट कर दी, क्या फ़ायदा हुआ? अब मूवी अच्छी बनी, देखो जाके। ये पठान फिल्म को लेकर के कुछ व्यक्तियों द्वारा जो है वो आपत्ति प्रकट की गई थी, उनसे स्पेसिफिकली हम लोगों द्वारा बात भी कर ली गई है, बातचीत में उनको समझाया भी गया और CBFC के द्वारा जो प्रमाण पत्र दिया गया है और उनको भी दिखा दिया गया कि जो भी आपत्तिजनक सीन थे उन्हें मूवी से हटा दिया गया है। फिर भी हमने यहाँ पर पूरी पुलिस प्रबंध कर रखा है, यहाँ पर PAC इंस्पेक्टर और मैं स्वयं मौजूद हूँ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पठान तो रिलीज हो गई है, कई जगह पर जश्न का माहौल है, कई जगह विरोध भी देखा गया, लेकिन शाम ढलते ढलते ये जो विरोध की आंधी थी वो कम होती हुई नजर आई है। तो क्या ये मान लें कि वाकई पठान छा गया है और बॉलीवुड का जो डूबता जहाज है उसको पठान वापस किनारे लगा रहा है?